This video we are going to discuss about the Indian students studying abroad. Is evacuation good or bad? The evacuation of Indian students is important or not? We will discuss everything in this video. जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा मीडिया में, न्यूज़ में कि कई इंडियन स्टूडेंट्स अपील कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन एम्बेसी से कि उनको इवैक्यूएट किया जाए, उनको एयरलिफ्ट किया जाए, यानी जो जहां पे हैं इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में एजुकेशन के लिए, उनको इंडिया वापस लाया जाए। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा थे, जैसा कि आप सब जानते हैं वुहान, चाइना, इटली, स्पेन, यूएसए, वहाँ पे केसेस पर डे बढ़ते ही जा रहे हैं, डेथ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे इवैक्यूएशन किया गया, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया, फ्लाइट से इंडिया वापस लाया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, गुड, बैड, फॉर एंड अगेंस्ट एवरीथिंग, पॉइंट टू पॉइंट कि इवैक्यूएशन हमारे लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड में हैं उनके लिए अच्छा है या ख़राब। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सर्वे किया, मैंने कई स्टूडेंट्स से पूछा उनके ओपिनियन कि उनकी क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, इवैक्यूएशन होना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूँगा कि इवैक्यूएशन होना ज़रूरी है या नहीं। मेरा नाम है ईशांत, आप देख रहे हैं चैंक इट आउट। सो इस वीडियो में आप सभी जानते हैं इंडियन स्टूडेंट्स तो वर्ल्ड वाइड हर जगह हैं, और जो मेडिकल हब्स हैं, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, चाइना, यूएसए, यूक्रेन, रशिया, यानी जो यूरोप में मैक्सिमम, लाइक यूएसए से, चाइना से, इटली, स्पेन से, जहाँ पे केसेस ज़्यादा थे वहाँ पे इवैक्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है, इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडिया में हैं। बट इस टाइम कुछ अभी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी हैं, अभी भी फंसे हुए हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उन्हें इवैक्यूएशन किया जाए। तो मैं अभी स्पेशली बात करने वाला हूँ यूक्रेन की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस ईमेल आए थे कि कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियोज़ भी भेजा, तो मैं इस डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर, यानी जो लोग इसके पक्ष में हैं, जो चाहते हैं इवैक्यूएशन हो। तो मैं कंपेयर कर दूँ यूक्रेन और इंडिया में। यूक्रेन और इंडिया की पॉपुलेशन ओवरऑल आप जानते ही हैं, तो उसके हिसाब से यूक्रेन में केसेस 1300 प्लस है, उसमें टोटल रिकवरी 28, टोटल डेथ 38 के प्लस है। और वहीं इंडिया में 4700 से ऊपर केसेस हैं, टोटल डेथ 136 प्लस एंड रिकवर्ड 375। यानी अगर आप रेशियो वाइज, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो यूक्रेन में इसके चांसेस, यानी कि डेथ रेट, या आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है कोरोना की, वो ज़्यादा है, यानी स्प्रेड होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो यूक्रेनियंस होते हैं वो अदर कंट्रीज़ से आ रहे हैं, जो लोग पोलैंड में, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, जो भी जहाँ काम करते थे, वो इस समय आ रहे हैं, और अपने साथ साथ कुछ एक आध अगर इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से तो वो और स्प्रेड होता जा रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसको कंपेयर करने के हिसाब से इंडिया थोड़ा सा बेटर है केसेस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, फैसिलिटी। यूक्रेनियन गवर्नमेंट्स के पास इतनी अभी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को रखें, वो अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और वहीं हम कंपेयर करें इंडिया को, उनके पास इनफ है, बट अभी भी जैसा कि गवर्नमेंट आपने देखा ही होगा, लोग अभी भी डोनेशंस दे रहे हैं, अभी भी कई हॉस्पिटल्स काफ़ी डॉक्टरों को ड्यूटी पे, काफ़ी एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी लगाया गया है। तो हम दोनों सिचुएशन अगर कंपेयर करें तो लगभग सेम है। तीसरा है पॉइंट होम, यानी जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में हैं वो चाहते हैं अपने घर जाएं, अपने फैमिली के साथ रहें। तो मैं दोनों फॉर एंड अगेंस्ट में
बता दूं कि दोनों ही टाइप में, दोनों ही सिचुएशन में आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक क्वारंटाइन है, यानी आपको जहाँ पे भी हैं आपको घर पे ही रहना है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप भी इंडिया में घर पे रहेंगे, और अगर आप फॉरेन में हैं, अब्रॉड हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन में हैं, तो भी आपको घर पे ही रहना है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, आप वहाँ पे भी घर पे रहेंगे, यहाँ पे भी घर पे ही रहेंगे। बस फर्क इतना है कि आप इंडिया में लॉकडाउन है, ज़रा सा भी बाहर निकलेंगे तो लाठी पाएंगे, और बल्कि यूक्रेन में आपको ऐसा अभी इतनी ज़्यादा सिचुएशन वैसी नहीं हुई है, आप नॉर्मली बाहर निकल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम, यानी जब क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ था बहुत से स्टूडेंट्स उसी टाइम इंडिया चले गए थे, और बहुत से अभी भी रह गए हैं यूक्रेन में। तो उस दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स ने साफ साफ कहा है कि ये हमने रिकमेंड नहीं किया था कि बच्चे इंडिया जाएं, क्योंकि ये एक सेमेस्टर है, यानी एक ये क्लासेस के टाइम थे। सेमेस्टर ख़त्म होता है मई में या जून में, यानी जून तक सेमेस्टर चलता है। तो ये जो एक मार्च अप्रैल पूरा जो क्वारंटाइन पीरियड है वो एक्चुअली एक सेमेस्टर पीरियड है, क्लासेस टाइम है। अब कोरोना वायरस की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज, सारे ऑफिसेज बंद हैं। क्वारंटाइन का मतलब है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो चुके हैं, लोग टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कुछ टीचर्स का कहना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि ये उन बच्चों को मैंने रिकमेंड नहीं किया था, वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। कुछ भी अगर टाइम डिफरेंस, कुछ टेस्ट में दिक्कत आती है तो उनको एबसेंट लगेगा, और उनके मतलब प्रेफरेंस उतनी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक सेमेस्टर पीरियड है। आप सेमेस्टर छोड़ के जा रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ने आपको रिकमेंड नहीं किया था कि क्वारंटाइन के टाइम आप इंडिया जाइए। और इसी में आप अगर टेस्ट दे रहे हैं इंडिया में भी बैठ के, तो आपको इंडिया और यहाँ का टाइम डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, 2.5-3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो आपको मैटर करेगा एजुकेशन ऑनलाइन के लिए। और अब एवरीथिंग इज़ क्लोज, ये चीज़ देखिए दोनों ही सिचुएशन में है, इंडिया में भी लॉकडाउन है, सारी चीज़ें बंद हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और जो खाने पीने के सामान यानी जो सुपर मार्केट्स वो खुले हैं, और सेम सिचुएशन यूक्रेन में भी है, सिर्फ मेडिकल स्टोर और सुपर मार्केट्स खुले हैं जहाँ से आप अपना खाने पीने का सामान ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन दोनों ही जगह है, तो बात लगभग सेम है। फिर हम बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कंसल्टेंसी या एजेंट्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि वो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कुछ करना चाहिए, या वो हमारी देख रेख नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर मैं पर्टिकुलर एजेंट को बोलूं कि वो किसी बच्चे को ले जाए इंडिया, जब बॉर्डर क्लोज है, सब कुछ क्लोज है, गवर्नमेंट सब कुछ क्लोज की है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंसी को आरोप लगा सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिसेंटली आपने देखा होगा ट्विटर पे भी पोस्ट था कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन से भी बात की है, सारी सिचुएशन सब कुछ बताया है, और केयर करते हुए इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हुए सब कुछ उनके नॉलेज में है, और साफ साफ उन्होंने कहा है कि अभी सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, अगर इन केस फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है या केसेस बढ़ते हैं, कोई भी क्राइसिस होती है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, इंडिया वापस इवैक्यूएशन किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही चीज़ों को कंपेयर किया, पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश की, और मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि ये क्वारंटाइन है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपको सपोर्ट करना है, आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि आप अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको नहीं मालूम कहाँ से आप इन्फेक्ट हो जाएं, किस रास्ते में आप किससे मिल जाएं, और उसके वजह से सारी सिचुएशन और बिगड़ जाए। अगर क्वारंटीन है तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ सेफ अच्छे से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री, अपना इंडियन गवर्नमेंट, सबका
डेटा कलेक्ट कर चुकी है, सब कुछ उनके नॉलेज में है और ये हमेशा ही हेल्थ मिनिस्ट्री यूक्रेन से बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड थिंग, एज अ स्टूडेंट, ये जो एजुकेशन सिस्टम इस समय ऑनलाइन हो चुकी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप हो सकता है इंडिया जाए तभी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें जा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ का यूक्रेन का 24 अप्रैल तक था और जिस हिसाब से सिचुएशन और सीरियस होती जा रही, केसेस बढ़ते जा रहे हैं एक्टिव, तो अभी रिसेंटली अपडेट आया है कि 15 मई तक क्वारंटीन बढ़ेगा।